हमें बताना चाहते हैं कि मत समझना, तो फिर मुझे लगना चाहिए कि आप उसी जोश और जज्बे के साथ सुन रहे हैं कि मत समझना, डराने से डर जाएंगे, कि मत समझना, डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मत समझना, डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों। अगली पंक्ति अगर आपके दिल में ठक से लगे तो मुझे बताना कि मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे, मत समझना, डराने से डर जाएंगे। मैंने कहा ना ये लहराते हुए झंडे, बीच में लहराता हुआ हमारा तिरंगा, इसमें जो सारे रंग हैं, मैं एक पंक्ति में इसे पिरोने की कोशिश करता हूं कि हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर। अब पूरी कांग्रेस पार्टी का इतिहास इन मिसरों में सुनाई पड़े तो मुझे बताना सुन के सीमांचल वालों कि हमने जमजम दिया आबे गंगा दिया, तुमने भारत को दंगा ही दंगा दिया, तुमने एक रंग के ख्वाब देखे मगर, हमने हिंदुस्तान को तिरंगा दिया, ये तिरंगा बदन पर लपेटे हुए एक दिन इस जमीन में उतर जाएंगे, मत समझना, डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। और जाते जाते बस दो तीन पंक्तियां ये सुना के जा रहा हूं आपसे कि कहां सोया है चौकीदार। अच्छा, बिहार के लोग इतने समझदार हैं कि चौकीदार शब्द का उच्चारण करिए समझ जाते हैं कि किसके लिए कहा जा रहा है। मैं बिल्कुल नाम नहीं लूंगा, आप बस इशारे में पहुंच जाएंगे कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अगली पंक्ति फिर से आपको पुकारती है कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इतनी कमजोर ताली पे काम नहीं चलेगा। मुझे लगना चाहिए कवि को ये प्रिविलेज होता है, शायर को ये आजादी होती है कि वो सलीके में अपनी बात कह देता है। मुझे आज तक पूरे देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने उनके हाथ की चाय पी हो, लेकिन फिर भी नैरेटिव बनाया गया। तब मैं ये पंक्तियां पढ़ रहा हूं कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है, कि रेल बिक गई तेल बिक गया बिका हवाई अड्डा। अब तैयार रहना पीछे तक, अगली जो पंक्ति है उसमें एक नाम आएगा, उस नाम पे आपकी हंसी छूटे तो उसे तालियों में बदलना कि तेल बिक गया रेल बिक गई बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां
सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। बिहार की ऐतिहासिक सरजमीन और मेरी आंखों के सामने उमड़ा हुआ लाखों का जनसमूह, आपकी यहां मौजूदगी को सलाम करता हूं। मैं माइक पे खड़ा हूं और मेरे बगल में सदी के सबसे बड़े संत महात्मा गांधी की तस्वीर है और मैं सीमांचल के गांधी की सरजमीन पर खड़ा हूं। रंगभूमि का यह मैदान, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। कीमत तो बहुत बढ़ गई शहरों में धान की, लेकिन विदा न हो सकी बेटी किसान की। मौका मिला तो लोगों ने कुर्सी के वास्ते तस्वीर ही बिगाड़ दी हिंदुस्तान की। सीमांचल वालों, पूर्णिया वालों, राहुल गांधी जी की ऐतिहासिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा आपकी चौखट पर है। कल जब से बिहार में प्रवेश किया है यात्रा ने, आपने जो प्यार दिया है, जो स्नेह दिया है, जो मोहब्बत दी है, सबसे पहले तो मैं पूरी कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहां मौजूद जनसमूह का शुक्रिया अदा करता हूं। बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी, हमारे सचिव प्रभारी अजय कपूर जी, सीएलपी शकील साहब, इन सब की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। और आपसे इतना कहना चाहता हूं मेरे भाई, अगले 3-4 मिनट आपसे बातचीत करूंगा, बाहर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि राहुल जी अगले 10 मिनट में आपके बीच पहुंचने वाले हैं, तो कृपया मैदान के अंदर आ जाए। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह लोकतंत्र के लिए एक मुश्किल वक्त है। दिल्ली में बैठे हुए लोकतंत्र के लुटेरे हर दिन लोकतंत्र को लूट रहे हैं। यह जो महात्मा गांधी जी की तस्वीर है, आज ही का एक दिन था जब एक खास विचारधारा के लोगों ने महात्मा गांधी के सीने पर गोलियां दागी थी और महात्मा गांधी जी हे राम कहते हुए स्वर्ग सिधार गए थे। मेरे भाई, जो माहौल उस वक्त बनाने की साजिश की गई थी, आज भी लगभग लड़ाई वैसी ही है विचारधारा की। आज आने वाले दिनों में आपको यह तय करना है कि दिल्ली की गद्दी पर गांधी को मानने वाले बैठेंगे या गोडसे को मानने वाले बैठेंगे। मैं तो अलग ऐलान यहां खड़ा होकर कह रहा हूं कि ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूं, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूं। मैं राहुल गांधी जी की यात्रा का गवाह रहा हूं, भारत जोड़ो यात्रा से लेकर के भारत जोड़ो न्याय यात्रा तक। मैंने देखा है राहुल गांधी जी को 4,000 किलोमीटर पैदल चलते हुए, मैंने देखा है उनके पांव के छालों को, एक यात्रा पूरी हुई कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और फिर उन्होंने बीड़ा उठाया कि हम मणिपुर से मुंबई तक 6,500 किलोमीटर से ज्यादा का सफर तय करेंगे, 6,700 किलोमीटर का। मेरे भाई, एक बात आपको समझनी है कि जो दिल्ली में बैठे हुए लोग हैं वो कितने शातिर हैं कि जैसे ही बिहार में यात्रा प्रवेश करने वाली थी कि बिहार में एक बार फिर से लोकतंत्र को लूटा गया, एक साथ फिर से पलट गए। आज मीडिया के साथियों ने हमसे कहा कि इमरान साहब आप क्या कहेंगे, मैंने कहा मैं उन पर कुछ नहीं कहूंगा। अगर आपको लगता है कि मुख्यमंत्री जी फिर से पाला बदल के उधर चले गए और वो हरकत हमारी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को रोक लेगी, तो आप गलतफहमी के शिकार हैं। कल से हम देख रहे हैं किशनगंज में जब से यात्रा ने प्रवेश किया है, अररिया पहुंचने तक और आज पूर्णिया पहुंचने तक, पूरा सीमांचल कांग्रेस के रंग में रंगा हुआ नजर आ रहा है। ये जो 3 रंग है कांग्रेस पार्टी के झंडे में, ये जो दरअसल 3 रंग है, यही इस देश का नसीब है, यही इस देश का मुस्तकबिल है। मैं यहां खड़ा होकर के मेरे भाइयों आपसे कह रहा हूं कि राहुल गांधी जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो बहुत बड़ी लड़ाई है। उधर दिल्ली में बैठा हुआ नेता हमसे कहता है, देश का प्रधानमंत्री हमसे कहता है, बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या बनाया है। हर दिन जब भी पार्लियामेंट में खड़े होंगे मोदी जी तो यही एक बात कहते हैं, बताओ 70 साल में क्या बनाया। एक दिन जैसे उन्होंने कहा, अखिलेश बाबू पीछे बैठे हुए थे, उन्होंने हमारी तरफ देख के कहा कि इमरान ये पूछ रहे हैं 70 साल में क्या बनाया, इनको बताना मत।
वरना ये उसको भी बेच देंगे। इनका काम सिर्फ बेचने का है, ये बेचने के अलावा कुछ नहीं जानते। अरे हमसे 70 साल का हिसाब मांगने वालों, रंगभूमि के मैदान में खड़ा होकर के मैं एक बहुत बड़ी बात कहता हूं सीमांचल वालों, मैं तो इस देश के प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं कि अरे जो अपना चलाया हुआ 2000 का नोट 7 साल नहीं चला सके, वो हमसे 70 साल का हिसाब मांगते हैं। 70 साल का हिसाब मांगते हैं हमसे। हम तो राहुल गांधी जी के साथ खड़े हैं, कल उस गांधी के साथ खड़े थे, आज इस दौर के गांधी के साथ खड़े हैं जो चल रहा है मुसलसल न्याय के लिए, इंसाफ के लिए, हक के लिए। जख्म पर जख्म खा के निकले हैं, जख्म पर जख्म खा के निकले हैं। हम कहां सर बचा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं। हम लगातार चल रहे हैं, हम डर नहीं रहे हैं। अगर सरकार को यह लगता है कि ईडी से सीबीआई से आप कभी लालू जी जैसे बुजुर्ग को बुला करके, कभी तेजस्वी को बुला के, कभी हेमंत सोरेन को आप तोड़ लोगे लोकतंत्र के पहरुओं को, तो आप गलत फहमी के शिकार हो। सीमांचल नहीं पूरा बिहार इस बार इस बात का जवाब देगा कि आने वाले 2024 में जिस साजिश के साथ आपने लोकतंत्र को लूटा है वो साजिश आपकी कामयाब नहीं होगी। बिहार इस बात का गवाह रहेगा। यह बिहार है, यह दिल्ली वालों की